यारों, मुझे उम्मीद है आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर बनी फिल्म द किंगडम ऑफ हेवन के बारे में जरूर सुना होगा, जो बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए लड़ी गई जंग के ऊपर बनी है। आपको बताते चले, ये जंग सलेबी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बीच लड़ी गई थी। वैसे तो ये मूवी हॉलीवुड की है, इसी वजह से इस मूवी में मेन फोकस भी सलेबियों के ऊपर ही रखा गया है। यानी इस मूवी में जो हीरो का रोल अदा करने वाला इंसान है वो भी सलेबियों में से ही है। मगर याद रहे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तो बात ही अलग है। एक ऐसा किंग, एक ऐसा योद्धा जिसकी तारीफें दुश्मन आज भी करते आए हैं। यही वजह है कि इस फिल्म का हीरो भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया जितना ज्यादा फेमस वो इंसान हुआ जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का रोल प्ले किया था। क्योंकि इस मूवी को जो इतनी ज्यादा पहचान मिली है वो उस इंसान से नहीं मिली जिसने हीरो का कैरेक्टर प्ले किया था, बल्कि इस मूवी को जो भी पॉपुलैरिटी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वजह से मिली है। इस मूवी को देखने के बाद आपको आसानी से पता लग जाएगा कि दुश्मन भी सलाहुद्दीन अयूबी की तारीफें क्यों करते हैं। बाय द वे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।